सॉरी भाई टाइटल से जैसे पता चलता है कोई किसी को सॉरी बोल रहा है। फिल्म फोरबिडन लव से डील करती है, जहाँ पर एक भाई को दूसरे भाई के मंगेतर से प्यार हो जाता है और इस फैमिली में, इस माथुर फैमिली में क्या होता है। और इस फोरबिडन लव को एक बहुत ही एंटरटेनिंग लाइट वे में ट्रीट किया गया है। डायरेक्टर ने बहुत ही एक एंटरटेनिंग कॉमिक वे में ट्रीट किया है, एक बोल्ड, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को। ऑडियंसेस आर मेंट टू थिंक समटाइम्स। समटाइम्स इट इज़ ग्रेट, यू लीव योर ब्रेन्स एट होम, कम सी वन क्रेजी फिल्म, गो होम। समटाइम्स यू कम विथ योर ब्रेन्स एंड एन्जॉय द फिल्म। आई डोंट नो अबाउट द मैसेज, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ लव दैट फाइनली the family triumphed. Itni badi problem, but if the foundation of the family is strong and if they love each other so much, then isse buri khabar within the family mere khayal se nahi hai. Uski jo plot hai is film ki kuch is tarah ki hai ki Sanjay Suri mere elder brother ka kirdar nibhate and Boman Irani and Shabana Azmi hamare parents ka role nibhate. संजय मॉरिशस में सेटल्ड है, चित्रांगदा सिंह उनकी फियांसी है, शादी होने वाली है बहुत ही जल्द। और संजय हमारे पेरेंट्स और मुझे इनवाइट करते हैं शादी के लिए, और उस वक्त मुझे चित्रांगदा से और चित्रांगदा को मुझसे मोहब्बत हो जाती है और आगे कहानी कैसे बढ़ती है उस किस्म का कुछ प्लॉट है सॉरी भाई का। मेरे लिए सॉरी भाई में दो किरदार हैं, एक दो भूमिकाएँ थी, एक निर्माता की और एक अभिनेता की। तो अभिनेता की तौर से एक उतना डिमांडिंग रोल नहीं है कि मुझे, मैं झूठ कहूँगा अगर कहूँ कि मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। रोल बहुत सिंपल था, जो लिखा हुआ था वो बहुत ही आसानी से उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई और उसकी तैयारी कोई ख़ास करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे कैरेक्टर्स आम दिखते हैं, हम भी होते हैं। रियल किस्म का इंसान है जो बहुत जल्द बहुत तरक्की करना चाहता है। आई थॉट दैट इट वुड बी एन एक्साइटिंग प्रोपोजिशन फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड ऑल्सो एज एन एक्टर आई थिंक इट वॉज अ रादर चैलेंजिंग रोल फॉर मी टू बी फॉर मी टू टेक अप एंड आई फील दिस इज एन अनयूजुअल सिचुएशन, इट डजंट हैपन ऑफन, बट if such a situation happens then how do these individuals deal with such a situation is something I thought would be an interesting watch and I was quite excited about it. When I say that we don't know the outcome of the film, but all I can say is Onir has made a film like himself, which is kind, sensitive and honest. He's one of the most kind and honest people I've seen, and you'll see that in the film. So you must support this kind of thing because it's rare to see a film which is it doesn't have rubbish because it sells. It is true and that will make it sell. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.